नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, पकवानों में टमाटर का विशेष महत्व होता है। इसे सब्जी बनाने से लेकर सलाद में, सूप के तौर पर, चटनी के रूप में और यहां तक कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर में विटामिन सी, लाइकोपीन, विटामिन, पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जिन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। लेकिन टमाटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि टमाटर को पका देने के बाद भी उसके पोषक तत्व बने रहते हैं। टमाटर खाने के अलावा बीमारियों के रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सुबह सुबह पानी पिए बिना पका टमाटर खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर बच्चे को सूखा रोग हो जाए तो उसे प्रतिदिन एक ग्लास टमाटर का जूस पिलाना चाहिए। इससे बीमारी में आराम मिलता है। बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए टमाटर बहुत फायदेमंद होता है। मोटापा घटाने के लिए भी टमाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिदिन एक से दो ग्लास टमाटर का जूस पीने से वजन घटता है। गठिया के रोग में भी टमाटर बहुत फायदेमंद है। प्रतिदिन टमाटर के जूस में अजवाइन मिलाकर खाने से गठिया के दर्द में आराम मिलता है। गर्भावस्था में टमाटर का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो गर्भवती के लिए काफी अच्छा होता है। अगर पेट में कीड़े हो जाएं तो सुबह खाली पेट टमाटर में काली मिर्च मिलाकर खाने से फायदा मिलता है। कच्चे टमाटर में काला नमक मिलाकर खाने से चेहरे पर लाली आती है। टमाटर के गूदे को चेहरे पर रगड़ने से त्वचा पर निखार भी आता है। टमाटर के नियमित सेवन से डायबिटीज में फायदा होता है। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, साथ ही कई तरह की स्किन से जुड़ी समस्याओं में भी ये असरदार होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो टमाटर खाना शुरू कर दीजिए। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।